आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट में बाबा साहब के पवित्र अस्थि कलश अम्बेडकर अनुयायियों के दर्शन के लिए रखे गए। बुद्ध विहार में सुबह से ही बाबा साहब के पवित्र अस्थि कलश के दर्शन के लिए शहर भर से समाज के लोगों का बुद्ध विहार में आना जाना लगा रहा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट में बाबा साहब के पवित्र अस्थि कलश अम्बेडकर अनुयायियों के दर्शन के लिए रखे गए। बुद्ध विहार में सुबह से ही बाबा साहब के पवित्र अस्थि कलश के दर्शन के लिए शहर भर से समाज के लोगों का बुद्ध विहार में आना जाना लगा रहा। बुद्ध विहार प्रबंध समिति के अध्यक्ष चौधरी राम गोपाल ने बताया कि 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने इस बुद्ध विहार की नींव रखी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाबा साहब के कलश यहाँ लाए थे। जब से हर साल उनके परिनिर्वाण दिवस पर ये कलश समाज के लोगों को दर्शन के लिए रखे जाते हैं। 6 दिसंबर को ही दर्शन के लिए रखी जाती हैं, जिसमें आगरा के संपूर्ण आदमी देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, पूजा करते हैं। बुद्ध विहार पर सुबह प्रातः 6 बजे से ही पूजा वंदना शुरू हो जाती है और प्रभात फेरी निकलती है। इसके बाद 8 बजे दर्शन के लिए अस्थियाँ रखी जाती हैं। इसका शाम को 5 बजे तक अस्थियाँ खुली देखने के लिए सबको समय मिलता है। इस अस्थियाँ रखने की वजह से आगरे का बहुत बड़ा गौरव हुआ है, क्योंकि बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ हैं और ख़ास तौर से इस चक्की पाट का, जहाँ पर यहाँ के बुज़ुर्ग और यहाँ के जो पुराने सभ्य सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो बाबा साहब से विनती करी, उनकी अस्थियों को लेके आए। ये अस्थियों देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस बुद्ध विहार का नाम है कि बाबा साहब की अस्थियां वहां रखी हुई हैं, हम भी चलें, और बीच बीच में वो आते भी रहते हैं। इस पावन अवसर पर भीम युवा व्यापार मंडल ने बुद्ध विहार के बाहर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में सुबह से दोपहर तक हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सर्वप्रथम 66वें महापरिनिर्वाण दिवस की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भीम युवा मंडल हर वर्ष बौद्ध विहार समाधि स्थल चक्की पाट और अंबेडकर पार्क बिजली घर पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के चरणों में नमन करता है। आज उसी उपलक्ष में भीम युवा व्यापार मंडल की तरफ से एक स्टोजल का आयोजन किया गया है, जिसमें चाय, पानी, बिस्किट, नमकीन की व्यवस्था की गई है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बुद्ध विहार परिसर में पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।